हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि पहली बार बिकिनी वैक्स करवाने जा रही हैं तो ध्यान रखें इन बातों का। तो फ्रेंड्स, बिकिनी वैक्स करवाने से पहले ये बातें जान लें, हैंड वैक्सिंग हो या लेग्स वैक्सिंग, ज़्यादातर महिलाएं वैक्सीन के दौरान होने वाले दर्द के बारे में सोचकर ही परेशान हो जाती हैं। ऐसे में ज़रा सोचिए कि अगर विकनी वैक्स से प्यूबिक हेयर निकालने के लिए हॉट वैक्स डालकर वैक्सीन करवाना हो तो कितना दर्द होगा। लेकिन एक बार करवाने के बाद आपको खुद में पूरी तरह से क्लीन और अच्छा महसूस होगा। लिहाजा पहली बार विकनी वैक्स करवाने जा रही हैं तो इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली बात आती है कि वैक्सीन से पहले की तैयारी। बिकनी वैक्स वैक्सीनेशन के लिए जाने से कुछ दिन पहले आप चाहे तो अपने बिकनी एरिया के बालों को विमेंस रेजर की मदद से उनकी लेंथ को कम कर सकती हैं। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वैक्सीन के दौरान आप किसी भी तरह की शर्मिंदगी से बच जाएं। और इसमें दूसरा टिप ये आता है कि सॉफ्ट या हार्ड कंफर्ट के हिसाब से चुने अपना तरीका। विकनी वैक्स दो तरह का होता है, सॉफ्ट वैक्स और हार्ड वैक्स। सॉफ्ट वैक्स में स्किन पर वैक्स लगाकर पेपर स्ट्रिप्स की मदद से खींचकर बालों को हटाया जाता है। वही हार्ड वैक्स, जिसे पील ऑफ वैक्स भी कहते हैं, में वैक्स को सीधे बिकनी एरिया पर लगाया जाता है और फिर कुछ सेकंड सूखने के बाद सीधे हाथों से खींचा जाता है, जिसमें बाल भी निकल आते हैं। हार्ड या सॉफ्ट वैक्स से आप किस तरह की वैक्सिंग में कंफर्टेबल फील करेंगी, इसके लिए आप चाहे तो ट्रायल रन करवा सकती है। और इसमें तीसरा टिप ये आता है कि दर्द तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप पहली बार बिकनी वैक्स करवाने जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस दौरान होने वाले दर्द को लेकर घबरा रही होंगी। इसलिए हो सकता है कि जब सैलून एग्जीक्यूटिव वैक्सिंग शुरू करें तो आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए, हाथ और पैर की वैक्सिंग के दौरान जितना दर्द होता है उतना ही दर्द होगा, लेकिन वैक्सिंग के बाद जो क्लीन फीलिंग आएगी वह इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं। और इसमें नेक्स्ट बात ये आती है कि दर्द को कम से कम करने का बेस्ट तरीका क्या है। आप चाहे तो वैक्सीन से पहले कोई पेन किलर जैसे एडविल का सेवन कर सकती हैं, लेकिन इन दवाइयों का शरीर पर साइड इफेक्ट भी होता है। लिहाजा बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने शेड्यूल को फॉलो करें। बिकनी वैक्स कराने के दौरान आपके बाल ना बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए ना ही बड़े। साथ ही साथ वैक्सीन करवाने के दौरान रिलैक्स्ड रहें, अपने वैक्सर से बात करते रहें ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहे, दर्द के बारे में ना सोचें और ना अपनी मांसपेशियों को जहाँ तक संभव हो ढीला छोड़ दें। मसल्स को टाइट करने से ही ज़्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि विकनी वैक्सिंग के बाद इन बातों का रखें ध्यान। बिकनी एरिया की वैक्सिंग कराने के बाद बालों के इन ग्रोथ से बचने के लिए हल्के एक्सफोलिएट का इस्तेमाल करें। वैक्स करवाने के 24 घंटे बाद तक सेक्स, स्विमिंग और वर्कआउट करने से बचें। कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा टाइट जींस या लेसी थागन्स न पहने, इसकी जगह कॉटन पैंटीज और लूज पैंट्स पहने। वैक्सिंग करवाने के बाद ठंडे पानी से नहाएं और मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर आप विकनी वैक्स के दर्द को कम कर सकती हैं। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।